देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी दल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश में ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। इस रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं है और कांग्रेस को मजबूत करने का जिम्मा संभाला है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या कुछ बोली प्रियंका गांधी, देखिए रिपोर्ट। यूपी में अब आखिरी चरण के मतदान के लिए धूम मची हुई है। 7 मार्च को मतदान होने के बाद सभी को इंतजार होगा 10 मार्च का, क्योंकि उस दिन साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर जताया है भरोसा। ऐसे में सभी दलों की धड़कनें तेज हैं और सभी चुनाव के इस अंतिम पड़ाव में जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की आस के साथ जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिम्मा संभाले हुए हैं और आज गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और खासकर किसानों के हक की बात की। इतना ही नहीं, प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरते हुए नोटबंदी का भी जिक्र किया। प्रियंका ने कहा, इनकी नीति क्या है? इनकी नीति यही है कि ये आपको गरीब रखेंगे, नोटबंदी और GST लाए, आपको लाइन में लगा दिया, आपका व्यापार नष्ट हो गया, लेकिन कोई काला धन नहीं आया। लॉकडाउन में बड़े उद्योगपति फलते फूलते रहे, लेकिन आपका सब नष्ट हो गया। किसानों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा, किसान मेहनत करता है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में गेहूं धान का 2500 रुपए मिलता है, लेकिन यहाँ आपको 1200 मिलता है। किसान के लिए ये जितनी नीतियाँ लाए, किसानों का सिर्फ नुकसान हुआ। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार देने वाले जितने संस्थान बनाए थे, बीजेपी की सरकार ने सब अपने मित्रों को बेच डाला, बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच डाली, तो रोजगार कहाँ से देंगे? जो सरकार देश के नौजवानों को रोजगार नहीं देती, वो अपने को राष्ट्रवादी नहीं कह सकती। डीवी लाइव की रिपोर्ट।